अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो क्वेश्चन है 1.3 एक्सरसाइज, उसका पहला वाला क्वेश्चन। ये सारे मैट्रिक्स दिए गए हैं, इनमें से आपने बताना है कि कौन कौन से मैट्रिसेस आपस में एडिशन के लिए कन्फर्मेबल है, यानी किस किस को मैट्रिक्स को हम ऐड कर सकते हैं। करना क्या है, फॉर एडिशन इनमें से कौन कौन से मैट्रिसेस आपस में ऐड हो सकते हैं। तो लिहाजा एडिशन के लिए ये होता है कि एक तो अगर आप जिनको ऐड कर रहे हैं दो मैट्रिसेस आपस में, तब ऐड होंगे जब उन मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम हो। अगर उनके ऑर्डर सेम हो गए, ऑर्डर सेम होने के बाद फिर वो आपस में ऐड भी हो सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। तो हमने देखना है कि इनमें से किस किस मैट्रिसेस के ऑर्डर आपस में मिलते जुलते हैं। जिन मैट्रिसेस के आपस में ऑर्डर मिलते जुलते होंगे, जिन मैट्रिसेस के ऑर्डर आपस में मिलते जुलते होंगे, उनको हम ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले पहले आपने इन सब का ऑर्डर निकालना है, देखना है कि किस किस का ऑर्डर सेम है, उसके बाद हम बताएंगे कि कौन कौन से इनमें से एडिशन के लिए कन्फर्म है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, इसका ऑर्डर निकालते हैं। ऑर्डर का फार्मूला होता है एम क्रॉस एन, एम से मतलब होता है रोज एंड एन से मतलब होता है कॉलम्स। इसमें कितनी रोज है, एक रो है और ये दूसरी रो, ये पहली रो है और ये दूसरी रो, टू रोज हो गई मल्टीप्लाई इसका ये कॉलम, ये पहला कॉलम होगा और ये उसका दूसरा कॉलम। इसकी दो रोज है और दो कॉलम्स, टू रोज है और दो कॉलम्स। आगे इसका निकालते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी, इसमें कितनी रोज है, एक रो है और ये दूसरी रो है, आर वन है ये और ये आर टू है। फार्मूला क्या है, एम क्रॉस एन, दो रोज है और एक कॉलम है, इसका ऑर्डर हुआ टू क्रॉस वन, टू बाई वन या टू क्रॉस वन। इसका ऑर्डर चेक करते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी एम क्रॉस एन, तो इसकी रोज कितनी है, एक रो है, ये दूसरी रो है और ये तीसरी रो है, थ्री रोज है, थ्री मल्टीप्लाई ये पहला कॉलम है और ये दूसरा कॉलम है, थ्री बाई टू या थ्री क्रॉस टू, थ्री बाई टू भी आप लिख सकते हैं, थ्री बाई टू ये भी है और ये भी ठीक है, इसका भी टू बाई वन ये भी ठीक है, ये ठीक, इसका टू बाई टू ये आगे हो गया। आगे इसका आगे चलते हैं, इसका सबसे पहले पहले आपने इसको प्लस करना है, प्लस करने के बाद फिर इसका ऑर्डर निकालना है। D इज इक्वल टू, जब इसको प्लस किया जाएगा ये आएगा थ्री और ये भी थ्री आएगा, इसका ऑर्डर निकालते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स D, इसका ऑर्डर आएगा टू रोज है एम क्रॉस एन, टू रोज है और एक इसका कॉलम है, टू बाई वन, टू बाई वन इसका ऑर्डर आ जाएगा। आगे इसके ऊपर चलते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ई, क्या होगा फॉर्मूला, एम क्रॉस एन, तो इसकी दो रोज है, टू रोज हो गई और कॉलम कितने हो गए, एक कॉलम हो गया, ये दूसरा कॉलम हो गया, टू रोज है टू कॉलम है, इसका ऑर्डर हुआ टू बाई टू। इसको पहले हल करना है आपने, एफ इज इक्वल टू क्या आएगा, थ्री टू वैसे आ जाएगा, वन प्लस वन टू आ जाएगा, माइनस फोर, थ्री प्लस टू फाइव आ जाएगा, टू प्लस वन थ्री आ जाएगा, ये हल हुआ। उसके बाद इसका ऑर्डर निकालना है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एफ एम क्रॉस एन, एक रो दूसरी रो तीसरी रो, तीन रोज है और एक कॉलम, ये दूसरा कॉलम, दो कॉलम है, इसका ऑर्डर हुआ थ्री बाई टू या थ्री क्रॉस टू। अब देखना है इनमें से कौन कौन से ऑर्डर जो है उनके ऑर्डर, कौन कौन से मैट्रिसेस हैं जिनके ऑर्डर सेम है। टू बाई टू वाला और कौन सा है, ये वाला है, ये और ये आपस में ऐड हो सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, एड ई कन्फर्मेबल फॉर एडिशन,
दे हैव सेम आदत, इसी तरह दूसरा देखते हैं टू बाई वन वाला, और कौन सा है टू बाई वन वाला, ये भी है टू बाई वन वाला, ये भी टू बाई वन वाला है, और बस ये दो है। अब क्या लिखेंगे, बी और डी ये कथा लिखना है, बी एंड ई कंफर्मेबल फॉर एडिशन बिकॉज दे हैव सेम ऑर्डर। उसके बाद कौन बचा हुआ है, उसके बाद ये सी बचा हुआ है और एफ, इनका दोनों का ऑर्डर सेम है। अब क्या लिखेंगे, सी एंड एफ कंफर्मेबल फॉर एडिशन, दे हैव सेम ऑर्डर जी।